सिंगापुर में मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से कहा, पाकिस्तान की राजनीति में हाफिज का सक्रिय होना चिंताजनक। आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर, सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़ी। भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने वाली ट्रेन रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत, दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर दिखाई गई हरी झंडी। देश की पहली बिना इंजन वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन T18 बनकर पूरी तरह से तैयार, अगले साल से रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगी। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, लॉन्च किया गया संचार उपग्रह GSAT-29। पठानकोट में इनोवा कार लूटने वाले चार संदिग्धों का अब तक पता नहीं, CCTV फुटेज के आधार पर हो रही है जांच। आज उगते सूरज को अर्घ देकर हुआ आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन। 1984 में दिल्ली में हुए सिख दंगे पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है, कोर्ट कल करेगा सजा का ऐलान। चक्रवाती तूफान गाजा के उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट से गुजरने की संभावना, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी। बारिश के बाद भी दमघोटू बनी हुई है दिल्ली की हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जानलेवा स्तर पर बना हुआ है प्रदूषण का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चुनावी ड्यूटी से लौट रहे BSF जवानों के ट्रक पर नक्सलियों का हमला, IED ब्लास्ट में 5 जवानों समेत 6 जख्मी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पालेंद्र चौधरी ने दिल्ली के नेहरू स्टेडियम के हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के ललितपुर में पिता की हैवानियत, पिता पर 3 बेटियों की हथौड़ी से पीट पीट कर हत्या का आरोप। दिल्ली में पत्नी और ससुराल से परेशान होकर पति ने किया सुइसाइड, मोबाइल में रिकॉर्ड किया 13 मिनट का सुइसाइड वीडियो। मुंबई से सटे पालघर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के सेफ्टी टैंक में गिरकर 8 साल के बच्चे की मौत। हरिद्वार में हाथी का आतंक, हाथी के हमले में भेल के एक कर्मचारी की मौत। हरियाणा में रोहतक के जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज करते नजर आए चपरासी, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। पुरातत्व विभाग की रोक के बाद भी ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने का सिलसिला जारी, ताजमहल के अंदर सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत है। मुंबई में गहराया पानी का संकट, कल से मुंबई में पानी की सप्लाई में 10% कटौती करेगा BMC। पश्चिमी मुंबई के कई इलाकों में लगा कूड़े का ढेर, संविदा कर्मचारियों को लेने के फैसले के विरोध में 3 दिन से हड़ताल पर है सफाई कर्मचारी। बाल दिवस के मौके पर नागपुर जेल के कैदियों को मिला तोहफा, कैदियों को अपने बच्चों के साथ बाल दिवस मनाने की छूट मिली। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कश्मीर पर बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान को कश्मीर की जरूरत नहीं, कश्मीर को आजाद रहने दें। एक दूसरे के हुए बॉलीवुड स्टार दीपिका और रणवीर, इटली में पूरी हुई शादी की रस्में। दीपावली के करीब एक हफ्ते बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दीपावली, ट्विटर पर बधाई संदेश में हिंदुओं का जिक्र करना भूले ट्रंप। श्रीलंका में सत्ता के लिए जबरदस्त महाभारत, संसद ने महिंदा राजपक्षे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया, अब रानिल विक्रमसिंघे की स्थिति मजबूत। और अब डालिए देश की राजनीतिक खबरों पर नजर। बीजेपी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ का वीडियो जारी कर कांग्रेस को हिंदुओं का विरोधी बताया। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी के आरोप झूठे, मैं तो लोगों को फूट डालने वाली RSS से सतर्क कर रहा था। राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों ने ऐलान किया। गहलोत के साथ पायलट को चुनाव लड़ाकर कांग्रेस ने गुर्जरों की नाराजगी से बचने की कोशिश की है। राजस्थान में दौसा से बीजेपी सांसद हरीश चंद्र मीणा ने कांग्रेस ज्वाइन की। जयपुर राजपरिवार की सदस्य दिया कुमारी ने कहा, वो चुनाव लड़ेंगी तो सिर्फ सवाई माधोपुर सीट से, बीजेपी वहां से किरोड़ी लाल मीणा को उम्मीदवार बना सकती है। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के नागौर से विधायक हबीबुर रहमान ने कांग्रेस का हाथ थामा, 10 साल बाद कांग्रेस में फिर वापसी हुई है। दिल्ली में आज राजस्थान की CM वसुंधरा राजे ने अमित शाह से मुलाकात की, टिकट बंटवारे पर राजस्थान में हंगामा मचा है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, नेहरू ने ऐसा देश बनाया जिसमें चाय वाला प्रधानमंत्री बन सका है। थरूर पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस को सिर्फ एक ही परिवार की चिंता है। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अब तक सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD से बेटे अजय चौटाला को भी निकाला गया, उनके बेटे दुष्यंत और दिग्विजय पहले ही निकाले जा चुके हैं। अजय चौटाला बोले, पार्टी में कौरवों और पांडवों की लड़ाई है, हम पांडव हैं, 17 नवंबर को बड़ी मीटिंग बुलाई है। अजय का साथ देने वाले विधायकों पर कार्यवाही तय, अभय बोले, जो अनुशासनहीनता करेगा बाहर जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, चुनाव आने तक चौटाला की INLD पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 11 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, 11 दिसंबर को ही 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने हैं। रेलवे स्टेशन के बाद मुगलसराय तहसील और मुगलसराय रेल डिवीजन का भी बदलेगा नाम, यूपी बीजेपी का ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी पश्चिम बंगाल का नाम बदलने में रोड़े अटका रही है, केंद्र ने नाम बदलने का प्रस्ताव फिर ठुकराया है। VHP ने फिर कहा, सरकार कानून लाए मंदिर बनाए, 25 नवंबर को अयोध्या में संत सभा बुलाई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, उत्तर में उत्साह है, अब राम मंदिर चाहिए ही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रैली में बोले योगी, कहा कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण में बाधा, जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं। प्रदूषण से निपटने में नाकामी के लिए NGT ने पंजाब सरकार पर लगाया 50 करोड़ का जुर्माना, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज से होगी वसूली। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रभारी राम माधव ने कहा, राज्य में अभी राज्यपाल शासन ही लगा रहेगा, जनता खुश है। TRS के अध्यक्ष और पूर्व CM के चंद्रशेखर राव ने गजवेल विधानसभा सीट से नामांकन किया, 7 दिसंबर को तेलंगाना में चुनाव है। पंचायत चुनाव के खिलाफ 17 नवंबर को ऑल पार्टी हुर्रियत नेताओं ने बंद बुलाया। ये है ABP News, आपको रखे आगे।